जो गांव में इतनी बीमारियां फैल रही है, हम काम छोड़ के बैठे हैं, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, हम कोई इस चीज के जिम्मेवार नहीं है, इतना हम इस पर बैठे हैं। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि हमें 4,000 रुपए दे के और हमारे से इतना बड़ा काम। काम दे दी, यहाँ तक ये बोल दिया कि जो नशे में है ना गांव के बंदे, उनका भी नशा आशा वर्कर को छुड़वाना। अभी तो सरकार ने खुद बोला है 19,800 सरकार रख ले, हम 19 ही दे दे, हम उसमें भी खुश है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं आजाद खबर 24। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यह है जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिला सचिवालय यमुनानगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि तमाम इलाके की आशा वर्कर हैं वो जो हड़ताल पर हैं, लगातार पिछले कुछ दिन से हड़ताल पर और आगे भी हड़ताल पर रहने की बात कही हड़ताल आशा वर्कर की, जो यूनियन की प्रधान है, जिला प्रधान, उन्होंने हमें जानकारी दी कि अभी भी आगे हड़ताल जारी रहेगी। आखिर हड़ताल पर जाने के क्या कारण रहे हैं, इनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यह जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह आप जिला सचिवालय यमुनानगर से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। अभी हम आशा वर्कर जी जिला प्रधान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए उनकी हम सुनवाते हैं आपको, आखिर क्या मुख्य मांगे हैं उनकी जो हड़ताल पर बैठे हैं। अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की गई है, पिछले कुछ दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। दोस्तों हमें पता चला था तो हमारी टीम आजाद खबर 24 की यहाँ पर पहुंची। आइए जानते हैं पूरा मामला, आखिर क्या है पूरा मामला, देखते रहें आजाद खबर, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो यह हड़ताल चल रही है यहाँ पर, हमारी पुरानी वही मांगे हैं जो 2018 में हमारा नोटिफिकेशन पास हुआ था जी। वो उसमें से 50% हमारा काट लिया गया है, जो आज तक भी हमारे कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई, जो कि उन्होंने घोषणा भी की थी वो भी अभी तक पूरी नहीं की गई। एक तरफ तो गांव के अंदर बीमारी भी चल रही है और दूसरी तरफ आशा वर्कर हड़ताल पे हैं, इसको लेकर आप सरकार को क्या कुछ कहोगे? हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं, जब आशा वर्कर का आपको काम नहीं दिख रहा तो अब अपने सेवा अपने आप करें। जब आशा वर्कर हर एक चीज़ का सर्वे दे रही है फ्री में, वो हमसे फ्री में काम करवा रहे हैं। अब उन्होंने हमारे 4,000 फिक्स किए थे 2018 में, 4,000 फिक्स करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि आशा वर्कर को 19,000 मिलते हैं, लेकिन 19,000 तो हमें आज तक नहीं मिले। हम तो यही चाहते हैं कि ठीक है, आप 19,800 की घोषणा कर रखी है तो हमारी 19,000 ही दे दो हमें, ताकि हम भी तो अपने घर जा सके, अच्छे से काम कर सके। आपकी मुख्य डिमांड क्या है? हमारा यही मुख्य डिमांड है कि जो हमारे 2018 में फाइल हमारी अभी तक खट्टर साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने पास नहीं की, वो दोबारा से पास की जाए और हमारे हर एक जो 2018 में मानदेय बढ़ाया गया था उसमें बढ़ोतरी की जाए। कोविड में हमारा 50% रुका पड़ा है वो हमारा दिया जाए और हमारा हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप धरना कितने दिन तक चलेगा अभी? ये धरना तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, और अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत करने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल को नहीं बुलाया गया, सिर्फ आश्वासन देते हैं। अब इस आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमारा 2018 की जो हमारी फाइल अटकी हुई है वो निकाली जाए और हमारा पैसा हमारे खाते में दिया जाए। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई भी सुनाई नहीं की आपकी, तो आगे के क्या कुछ अपील करेंगे? आगे तो अभी तक तो काम बंद है, 21 तारीख तक हमारी आगे हड़ताल जारी हो गई है। आगे जैसा भी स्टेट कमेटी की में बात रखी जाएगी वैसे ही आगे का ही रूलर बना देते हैं। एक बार अपना परिचय जरूर दे दीजिए। मेरा नाम नीरू बाला, जिला प्रेसिडेंट यमुना। वही मांगे जी मुख्य, जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला है जो 2018 में फाइल पास करी थी वो करो पास उसको, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने बोल दिया था मेरे यहाँ से पास हो गया, खट्टर साहब के यहाँ चली गई है, तो खट्टर साहब ने क्यों रोक रखे वो बहाल करे। हमारी उम्र 65 साल हो, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा, हमारी पे है जो अभी तो सरकार ने खुद बोला है 19,800 सरकार रख ले, हम 19 ही दे दे, हम उसमें भी खुश हैं। सरकार हमसे बात करे, प्रतिनिधि को बुलाए और हमारे उससे बात करके हमारी समस्याएं हल करे। जैसा आई फ्लू फैल रहा है और बीमारियां फैलेंगी, तो ये जो गांव में इतनी बीमारियां फैल रही है, हम काम छोड़ के बैठे हैं, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, हम कोई इस चीज़ के जिम्मेवार नहीं है, इतना हम इस पर बैठे हैं। जैसे कि सडोरा के अंदर बड़े लेवल पर डेंगू आ रहा है, गाँव के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आशा वर्कर इन कामों को देखते हैं, अभी इन कामों को कौन देख रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? हम कोई नहीं देख रहे जी, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।
और ये तो फ्री का काम है, सरकार इसी चीज का हमें कोई पैसा नहीं देती। सर आशा वर्कर फ्री में काम कर रही है, डेंगू का जो काम कर रही है आशा वर्कर वो फ्री का, इसका हमारे को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता। ये आशा वर्कर के ऊपर थोपा जा रहा है ऑनलाइन काम, क्या सर्वे डेंगू का मलेरिया का हर तरह तरह के काम हमारे ऊपर दबाव ऐसा बना रखा है कि अगर आशा वर्कर मना भी करती है तो उसके निकालने तक की धमकियां दी जाती है। आशा वर्कर मुख्य काम क्या होता है? आशा वर्कर का काम जच्चा बच्चा की देखभाल करना है, टीकाकरण करवाना है, और लेकिन इन्होंने तो हमें ऐसे ऐसे काम दे दिए, यहाँ तक ये बोल दिया कि जो नशे में है ना गाँव के बंदे उनका भी नशा आशा वर्कर को छुड़वाना है। अब इस चीज के मैं जब सरपंच कुछ नहीं कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सारा काम आशा वर्कर के ऊपर है। आशा वर्कर 4000 में ये काम करेगी, जब सर्वे होता है हर चीज का सर्वे आशा वर्कर के पास डिटेल मिलेगी। आज उसको पैसे 2018 में भी खट्टर सरकार थी, आज 2023 में भी खट्टर सरकार है, तो आज हमारी मांगे पूरे करने में उनको क्या दिक्कत होती है? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारे पास महंगाइयाँ बढ़ गई, हर चीज महंगी हो गई है, तो आशा की भी तो कुछ महंगा हो गया, या आशा को सस्ते में दे दे सामान, दे दे सस्ते में, तो कुछ जब महंगाई हो गया तो आशा 4000 में क्या क्या कर लेगी? बच्चों के फीस दे देगी, घर का खर्चा उठा लेगी, क्या हो जाएगा 4000 में? अगर 19000 देती है तो दो। हमारी कई आशा वर्कर ऐसी हैं जिनका गुजारा ना इसी तनख्वाह से ही हो रहा है, और हम हड़ताल पे बैठे आप देखो उनका घर का गुजारा कैसे होगा। सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि हमें 4000 रुपए दे के और हमारे से इतना बड़ा काम करवाया जा रहा है, तो थोड़ा सा शर्म कर लेनी चाहिए। खुद वो सोचे ना कि 4000 रुपए में क्या होता है, और सरकार हमारे को देके कह रही है कि 19000 रुपये हमारे को दे रही है, 19800, तो जबकि हमारे को 19800 नहीं मिल रहा है, सिर्फ 4000 रुपया दे रही है सरकार, और काम हमारे से इतना ऑनलाइन लिया जा रहा है। हमारा ये प्रदर्शन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक सरकार हमारी काम मांगे नहीं मानती है तो हम अपना प्रदर्शन भी खत्म नहीं कर पाएंगे। जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी तो उसी दिन ही हमारा जो है प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। आम जनता से प्रधान जी क्या कुछ अपील करोगे? हम आम जनता से यही अपील करते हैं कि जो एक अफवाह आशा वर्कर के बारे में मीडिया में दी गई है कि आशा वर्कर को बहुत पैसा मिलता है, वो अफवाह झूठी है, उनकी बातें सब झूठी हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो ऑफिसर हमें ये बोलते हैं कि बहुत पैसे मिलते हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि एक बार हमारे साथ फील्ड में उतर के देखो, घर घर जाके देखो, जैसे आशा वर्कर घर घर जाके काम करती है उनके तरीके से काम करके देखो, फिर आपको लगेगा पता। अभी 3 महीने से कोई सैलरी नहीं, जबकि आशा वर्कर तो अभी बैठी है हड़ताल में, आशा वर्कर को तंग करने के लिए उनकी सैलरी रोक दी गई है कि ताकि उनके प्रदर्शन में कोई दबाव पड़े। इस बात का हमारे उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता, ये तो शर्म आशा उनके जो हमारे ऑफिसर हैं या हमारी सरकार है उनको आनी चाहिए कि आशा वर्कर को इतना भी परेशान ना करो कि वो एक गंगारू रूप ले। और सभी साथियों से, सभी समाज, सभी पब्लिक से हम अपील करते हैं कि वो आशा का इस बात में समर्थन दे कि आशा बढ़ चढ़कर अपना हक ले सके।